अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं जीटीबी हॉस्पिटल के अंदर और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स ने ब्लैक बैंड बांध रखे हैं और सिर पे पट्टियाँ बंधी हुई है। हम इनसे पूछेंगे, डॉक्टर पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सुमित अग्रवाल, रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यूसीएमएस जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि सभी डॉक्टर आज इकट्ठे होकर बैंडेड बांध के और ये फ्रैक्चर वाले अब बैंडेड बांध के क्या प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो बताएं। हम बस सरकार को ये दिखाना चाहते हैं, जो हमारे जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो ऑल ओवर इंडिया मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं जी, उनके अगेंस्ट जो बिहेवियर हो रहा है मे बी इन एनी फॉर्म, मे बी फिजिकली, वर्बली एंड इट कैन बी अ पेशेंट, पेशेंट रिलेटिव्स, वर्किंग एनवायरनमेंट विच इज दैट इज एक्सेप्टेबल टू अ पर्टिकुलर लिमिट। अगर वो एक लिमिट क्रॉस कर देता है तो इट बिकम्स अ वेरी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन उस डॉक्टर को काम करने के लिए और उसकी एक एंड अभी रिसेंटली जो हमारा अटैक हुआ है वेस्ट बंगाल के एक इंटर्न डॉक्टर पे एंड ही इज ऑलमोस्ट सिक एंड इज वेरी सीरियस राइट नाउ। 5 दिन पहले उस पर इंसिडेंट हुआ था एंड ये इंसिडेंट कॉन्स्टेंटली हम मेडिकल कॉलेज में वर्किंग डॉक्टर्स पे हो रहा है। तो बस उसके लिए वी आर शोइंग सपोर्ट कि वी डॉक्टर्स आर यूनाइटेड एंड इफ समथिंग हैपेंस टू अ पर्टिकुलर एक किसी डॉक्टर के साथ होता है तो हम लोग सब साथ हैं एंड वी विल स्टॉप वर्किंग टिल द सिचुएशन थोड़ा सा इम्प्रूव हो, हमें थोड़ी सेफ्टी मिले, हमें भी एक एनवायरनमेंट मिले काम करने का जहाँ पे हमें सेफ हम फील कर सकें। उसी के लिए आज हमने स्ट्राइक की है और गवर्नमेंट से बस एक हम कुछ इसको इम्प्रूवमेंट के लिए चाहते हैं कि हमें एक सेफ एनवायरनमेंट दे काम करने के लिए। हमारे साथ महिला डॉक्टर भी है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैम, मैं डॉक्टर शची, आरडीए जनरल सेक्रेटरी जी। क्या डिमांड्स हैं आप लोगों की और क्या आप चाहते हैं, किससे चाहते हैं वो भी बताएं, दिल्ली सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांगे हैं वो बताएं। देखिए, सरकार तो हिंदुस्तान में कहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब फॉर अस गवर्नमेंट इज़ द सेम जी। फॉर एवरी गवर्नमेंट वी हैव द सेम रिक्वेस्ट कि हमको एक सेफ वर्किंग प्लेस प्रोवाइड कराया जाए जहाँ पे हम बिना डरे काम कर सकें। अगर हम काम पे आते हुए डरेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। हमारा तो एम है पेशेंट हेल्थ केयर, हम पेशेंट की हेल्प करना चाहते हैं, उसको ट्रीट करना चाहते हैं और अगर कोई हमें मारेगा, हमारी जान पे रिस्क होगा तो फिर आप बताइए हम कैसे काम कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट से सिर्फ हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ वो ऐसा करें कि हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट सेफ़ रहें, हमारे ऊपर असॉल्ट नहीं हो। मैं फीमेल डॉक्टर हूँ, मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट्स मिसबिहेव करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं एंड ऑब्वियसली हम कई बार अवॉइड कर देते हैं कि क्या फ़ायदा बात को बढ़ाने से, बट ये चीज़ें एक्चुअली दीज आर नॉट डन। वी ऑल्सो डिजर्व आर डिग्निटी एंड वी ऑल्सो डिजर्व आर रिस्पेक्ट। हम पेशेंट्स की अगर हेल्प कर रहे हैं तो उनको समझना चाहिए कि हम उनके दुश्मन नहीं हैं और अगर उनका कोई पेशेंट का कोई भी अटेंडेंट मर रहा है तो फिर दैट इज़ नॉट ऑलवेज अ डॉक्टर्स फॉल्ट, है ना। बहुत सारी चीज़ें, ज़िंदगी और मौत हमेशा डॉक्टर के हाथ में नहीं होती जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे, अग्रवाल साहब आपसे जानना चाहूँगा कि डॉक्टर का जो पहला काम होता है वो होता है पेशेंट की सेवा करना और आप सब लोगों के धरने प्रदर्शन पे आने से कितने पेशेंट परेशान हो रहे होंगे और कईयों की जान भी जा चुकी है, अखबार की न्यूज़ हेडलाइन भी है, तो कहाँ तक आपका ये जो समीकरण है सही है वो बताएं। देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने काम छोड़ के इस तरह से धरने पर बैठें क्योंकि हमारी ये कोई आदत नहीं है। हमें मजबूर किया गया है, हमारे पास सिचुएशन ऐसी आ गई कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। फिर भी हमारी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो सारी ऑन है। अभी भी जो भी इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है उसका ऑपरेशन चल रहा है, इमरजेंसी में पेशेंट को दवाइयाँ मिल रही हैं। बस हमारी रूटीन सर्विसेज जो कि एक नॉर्मल पेशेंट जिनको डेट मिली होती है वो थोड़ी सी सर्विसेज अफेक्ट हुई हैं। जो वार्ड में सिक पेशेंट्स हैं वो फिर भी मॉनिटर किए जा रहे हैं, तो कोई भी मरीज जो बीमार है उसको अभी भी हम देख रहे हैं ऐसा नहीं, और हमारे सीनियर फैकल्टीज अभी भी काम पे हैं। ओपीडी सर्विसेज कम्प्लीटली शट डाउन नहीं हुई है हमारी, हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स आ दे जी। हमारे साथ डॉक्टर अंकित भी हैं, मैं अंकित जी से पूछना चाहूँगा, अगर आप लोगों की मांगों को नहीं मांगा ना माना जाएगा तो आप लोग आगे क्या करेंगे वो बताएं। हम अभी इंडेफिनिट स्ट्राइक कर सकते हैं जी। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी जी। तब तक हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे जी। और गवर्नमेंट को हमारी कुछ बातें माननी पड़ेंगी, जो हमारी 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 जो डिमांड। कौन सी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दो गवर्नमेंट हैं दिल्ली के अंदर हैं आप, तो कौन सी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो इंसिडेंट्स हुआ है जी। वो जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं हमारे कलीग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस में है अभी जी। उनको एक बेसिक ह्यूमन राइट भी नहीं मिल पा रहा है, जो उनको जानवरों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, उनको उनको प्रेशराइज करा जा रहा है कि वो काम करें, वो मतलब
एक एक तो वहाँ पे इंटर्न के साथ इतना बुरा सलूक हुआ है, वहाँ पे उसको मारा गया है, वो ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है, वो अपनी राइट के लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे उनको ये बोला जा रहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आप पे एसिड थ्रो करेंगे। वहाँ पे उनको बहुत ही गंदी तरीके से थ्रेटन किया जा रहा है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको हमारी बस यही मांगे हैं कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं वर्क प्लेस पे, जब तक वो नहीं मानेंगे तो हम स्ट्राइक करेंगे। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक गर्ग है, मैं सलाहकार हूँ यहाँ RDA UCMS और GTB अस्पताल का। तो जिस तरीके की बात आपने पूछी कि हमारी सरकार से क्या डिमांड है, हमारी डिमांड केवल सरकार से नहीं, हमारी डिमांड समाज से भी है। यदि देखा जाए कि इस तरीके की जो भी इंसिडेंट अभी हुआ, जो अत्याचार हुआ, वो किसने किया? सरकार की नाकामियत तो कहीं ना कहीं उसके अंदर है ही, पर समाज के अंदर जो डॉक्टरों के प्रति आक्रोश बढ़ गया है, वो भी उसके ऊपर काफ़ी कहीं ना कहीं तौर पर बहुत बड़ा जिम्मेदार है। आपने हमें अभी बताया कि न्यूज़ में आपके पास हेडलाइन आई कि बहुत से लोग मर गए डॉक्टरों की काम पर ना जाने से, ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं करी है। लोग हमेशा मरते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मरते, सब लोग की एक आयु होती है। अगर 85 साल का कोई व्यक्ति मर जाता है तो आप उसको इस तरीके से ये बोलेंगे कि डॉक्टर्स ने उसको नहीं बचाया इसलिए वो मर गया? मौत को आप नहीं टाल सकते, आप कोई भी अमर नहीं है, पर हर मौत को आप इस तरीके से बोलें कि वो डॉक्टर्स की गलती के कारण मरा है तो ये गलत होगा। और डॉक्टर्स ही बोलते हैं कि अगर ये सही टाइम पे हॉस्पिटल आ जाते तो शायद इनका इलाज हो जाता, तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि अगर सही टाइम पे सही उपचार मिल जाता है तो एक जान शायद बच सकती है। बिल्कुल, आप इस चीज़ अपनी नाकामियों से भाग नहीं सकते डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात हम अपनी नाकामियों से बिल्कुल नहीं भाग रहे हैं। आपने जिस तरीके से बोला कि अगर डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप अगर सही समय पर आते तो इसके अंदर किसकी गलती थी? समाज में यदि आपके परिवार में कोई बीमार है और आप उसको घर पर रख रहे हैं और उसे सही समय पर अस्पताल में नहीं ला रहे, और जब वो मृत्यु की उस शैया पर पहुँच गया आप तब अस्पताल में ला रहे हो और कह रहे हो डॉक्टर साहब बचा लो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इसमें आप सभी डॉक्टर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। लोकतांत्रिक देश के अंदर डॉक्टरों को भी पूरा अधिकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। जैसे महिला डॉक्टर ने बताया, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्कुल प्रोवाइड करानी चाहिए, और इस देश के अंदर जहाँ पे आम नागरिक बिल्कुल सेफ नहीं है और डॉक्टर तो यहाँ पे बिल्कुल सेफ नहीं है, जो डॉक्टर दूसरों को जीवन दान देते हैं वो भी अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।